अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर विलर, आज का व्लॉग बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट होने वाला है। आज हम मौजूद हैं DHA अरेना मुल्तान में और यहाँ एक गेट टुगेदर हो रहा है वर्ल्ड टूरिज्म डे के ऊपर, और बड़ी खूबसूरत किस्म की गाड़ियाँ आई हुई हैं और जितने भी मुल्तान की स्टैटिक कार्स और प्रोजेक्ट कार्स और एक दो गाड़ियाँ मैंने आपको दिखानी है, बहुत ही ज़्यादा स्पेशल। डॉज चैलेंजर की एक कन्वर्जन हुई है, बहुत ही ज़्यादा कोई कमाल किस्म की गाड़ी है। और इसके अलावा सुपर बाइक्स, साइपर बाइक्स बहुत ज़्यादा मौजूद हैं। और इसके अलावा स्पेसिफिकली डॉक्टर जीशान साहब भी थोड़ी देर में पहुंचने वाले हैं, उनसे भी मिलवाते हैं आपको, शायद डॉक्टर साहब आ गए हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ इस वक्त मेरे साथ है कौन कौन मौजूद। तो इस वक्त मेरे साथ डॉक्टर रहमान साहब मौजूद हैं। रहमान कैसे हो? ये माइक पकड़ो आप। ये माइक इसके लिए है। हाँ हाँ, बताओ क्या फील कर रहे हो यार, गाड़ियाँ देखनी है तुमने? मैं गाड़ियाँ जब देखी है लेकिन मैं गाड़ियाँ भूल गया हूँ और बाइक्स का मैं दीवाना हो गया हूँ। इस तरह लाइन से गई है, पर बाइक्स तूने पहली दफा देखी है मेरे ख्याल से? बड़े पहली दफा देखी है। हेलो, कैसे हो? अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो? मैं ठीक हूं, आप बताएं। कौन सी गाड़ी अच्छी लगी सबसे ज्यादा, अच्छी कौन सी लगी तुम्हें? इस वक्त गाड़ी यार हम जाते हैं जी सबसे पहले तो अपने फरूक भाई के पास। फरूक भाई किधर हैं? ढूंढो ढूंढो ढूंढो। फरूक भाई ने इक्के पे नया पेंट किया है, तो किधर है फरूक भाई? फरूक भाई किधर है? फरूक भाई गुम हो गए हैं इधर, लेकिन मिलने के चांसेस। 298 नंबर के ES है, बड़ी खूबसूरत किस्म की तैयार हुई इके। इसका मेरे ख्याल से मैंने रिव्यू किया हुआ है लास्ट मीटअप पे। ये फिर इके है ब्लैक, बड़ी खूबसूरत किस्म की है। फरूक भाई हमें मिल गए हैं, तो फरूक भाई को ज़रा माइक देना यार। रहमान कैसे हैं फरूक भाई? और सबसे पहले तो मुझे कलर के बारे में बताएं ना, कलर आपने चेंज किया हुआ है माशाल्लाह। आप दिखाओ पास से, ये जो है जैतून कलर है। ठीक है, और अंदर से मैरून ही है, बाहर से कलर चेंज। ठीक है, और इसके अलावा नो शॉक्स, इसके अंदर कोई शॉक स्प्रिंग्स वगैरह नहीं लगे हुए, बिल्कुल डेड ड्रॉप है ये गाड़ी। यहाँ से चेक करें आप, चल भी आएगी यहाँ तक आ कैसे गई है, मैं ये सोच रहा हूँ। ये चेक कर सकते हैं इसकी फिटमेंट, और माशाल्लाह बड़े खूबसूरत किस्म के इस गाड़ी के रिम्स हैं। और वही पेंट के बारे में थोड़ा सा, मैं इसके अंदर ब्राउन, मैरून और ऑरेंज, अच्छा थ्री शेड्स हैं। जब ये सनलाइट पे खड़ी होती है ना तब इसके शेड्स जो है ना रात के टाइम ब्राउन। ठीक हो गया, चलें, थैंक यू सो मच। बहुत सवार चल रही थी, बड़े फजूल किस्म की हरकत है इस तरह के मीटअप से फ्रेंडली। मैं तो बड़ी जिस चीज़ को करता हूँ कि नहीं करने चाहिए। तो यहाँ पे मोइज चौधरी की सिविक एक्स है माशाल्लाह, बड़ी खूबसूरत है और बड़े शॉर्ट टाइम में मोइज ने तैयार की है, और बिल्कुल ये गाड़ी डेड ड्रॉप है। और 10.5 JJ हैं इसके अंदर, बड़े खूबसूरत किस्म के रिम हैं। मोइज के साथ रिव्यू भी करेंगे, उसमें आपको बताएंगे। और इसकी बैक लैंप्स है, बैक लाइट सारी ये कस्टमाइज हैं, और फ्रंट टोटली ये गाड़ी को मॉडिफाई किया हुआ है। बॉडी किट्स वगैरह जितनी भी डिटेल्स हैं, स्पेसिफिकली इस पर कॉस्ट वगैरह जितनी भी आई है, तो वो हम मोइज के साथ एक डिटेल से रिव्यू बनाएंगे अलहदा से, उसमें आपको दिखाएंगे। अभी थोड़ी सी लाइट कम हो चुकी है जिसकी वजह से सारी चीज़ें मैं दिखा नहीं पा रहा। ये एलीस के राज की टोयोटा यारिस है, बड़ी खूबसूरत, इसका मैंने रिव्यू बनाया हुआ है अलहदा से। और ये वन एंड ओनली SX8, आई लव दिस कार। और EG EK, इसका भी रिव्यू बनाया हुआ, बड़ी खूबसूरत है। अली हैदर है EGS इसके ओनर, अली हैदर खान। ये श्राड है, बड़ी खूबसूरत किस्म की और बहुत अच्छी है, हैट्स ऑफ टू द गाइस। और ये है ब्लैक लिस्टेड EG, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत गाड़ी है। और इस गाड़ी का रिव्यू जो है वो मैं आपको दिखाऊंगा इंशाल्लाह, इस गाड़ी का हमने रिव्यू बनाया हुआ है, वो चैनल पे आ जाएगा। और वाइट बॉडी श्राड है, वन एंड ओनली, बहुत ही कम लोग हैं जिन्होंने ये इस तरह की गाड़ी बनाई हुई है। और इस गाड़ी पे बनाने में जितनी भी कॉस्ट आई है उसके डिटेल रिव्यू में आपको पता चल जाएगी, बड़ी खूबसूरत किस्म की गाड़ी है। रैप्टर खड़ा हुआ है, लाइट थोड़ी सी कम हो चुकी है, डॉक्टर साहब से भी आपको मिलवाते हैं, डॉक्टर जीशान साहब भी पहुँच चुके हैं। बड़ी स्पेशल पर्सनैलिटी मिली है, मैं वापस जा रहा था और शो से मुझे अचानक नजर आए। डॉक्टर साहब कैसे हैं? ठीक ठाक है, लगे कौन से बाइक पे हैं? मैं आज मल्टी स्टार्टर पे हूं जी, और बहावलपुर से। जी बहावलपुर से, थोड़ा सा लेट हो गए हैं बस अभी। थोड़ा सा आज के दिन के हवाले से बता दें, आज वर्ल्ड टूरिज्म डे है। इकबाल गांगला भाई हमारे बड़े प्यारे भाई हैं, उन्होंने हमें इन्वाइट किया था मुल्तान, 2 बजे हमने आना था मगर थोड़ा सा लेट हो गया, मेरी ड्यूटी थी, मगर अब पहुँच गया तो थोड़ा सा एंजॉय। थैंक यू सो मच। जितने भी गाड़ियाँ हैं उन सब का आपको शॉर्ट सा ओवरव्यू भी आपको दे दिया, और जो उनके जो थोड़े बहुत सिनेमैटिक्स थे वो भी बना दिए। और स्पेसिफिकली मैंने उन गाड़ियों को कवर नहीं किया जिनको मैं नहीं करना चाहता था, और स्पेसिफिकली जो एग्जॉस्ट वार होते हैं वो तो उस तरह की चीज़ों को वैसे ही प्रमोट नहीं हम करते। और इस तरह के मीटअप से मैं फिर कह रहा हूँ कि इन चीज़ों को हमें वो बिल्कुल अमल करना चाहिए कि लोग देखने आते हैं और इस तरह के इन्वायरमेंट को इन्जॉय करना करने आते हैं,
और आप एग्जॉस्ट वार करके और शोर शराबा करके बड़े अजीब किस्म का माहौल बना देते हैं, उसको अवॉइड किया करें। अब आपको बाइक्स से आते हैं और बाइक्स की बहुत ही ज़्यादा कलेक्शन है। ये वाहिद मीटअप है हमने मुल्तान में देखा है जिसमें इतने ज़्यादा बाइक्स आए हैं और स्पेसिफिकली लीडिंग बाइकर्स डॉक्टर जिशान अरबाजी और इसके अलावा और भी जितने भी बाइकर्स हैं, बहुत ही ज़्यादा लेजेंडरी बाइकर्स हैं और जितने भी लेजेंडरी बाइक्स हैं वो सारे यहाँ पे मौजूद हैं। क्लासिक से लेके जितने भी सुपर बाइक्स हैं स्पेसिफिकली जो लोगों को पसंद होते हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं। 2013 मॉडल है और ये हार्ले डेविडसन का बाइक है। बेसिकली इसकी हिस्ट्री ये है कि हार्ले ने इससे पहले जितने भी वेरियंट बनाए हैं तो उन्हें इशू आ रहा था कि वो मसल तो होते थे लेकिन स्पीड ही नहीं होते थे। फिर इसमें उन्होंने ये कोलैबोरेशन की पोर्शे के साथ, ठीक है, और पोर्शे वालों ने ये प्रॉपर बाइक डिजाइन करके दिया जो कि एक मसल टूरिंग बाइक भी है, साथ इसका टॉर्क भी बहुत अच्छा है। स्पोर्ट्स बाइक जैसा तो नहीं है लेकिन कंपैरेटिवली बहुत अच्छा। K70 बड़ी खूबसूरत किस्म की गाड़ी है, यहाँ पे मौजूद है और अकॉर्ड और इसके अलावा और भी गाड़ियाँ आ रही हैं। और ये है हसन गिरदेसी की E140, बड़ी खूबसूरत और रीजनेबल E140 है, मुझे ये गाड़ी बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं व्लॉग में ये चीज़ लाजमी ऐड करूँगा, बड़ी खूबसूरत इसकी गाड़ी है माशाल्लाह, आई रियली अप्रिशिएट। लेकिन इसने जो हरकत की है, अभी मैं इधर पार्किंग के पास ही खड़ा था अपनी गाड़ी निकालने के लिए, तो इधर देखा इस बंदे एक बंदे को ये कुचलने लगा था इतना कोई ख़तरनाक तरीके से आया भी ये रॉन्ग साइड से, इतनी तेज़ आया ये बंदा और एक बेचारा ये कोई मामूली सा आदमी था उसको कुचलने लगा था। और फिर ये आप वापसी भी आपने देखा, मैंने शायद ये क्लिप रिकॉर्ड हो गया, और कितने बुरे तरीके से यहाँ से निकला। तो ऐसे लोगों को ऑब्वियसली हमें कंडेम करना चाहिए और मेरे ख्याल से कोई यार बाज़ आओ किसी।